तो है गाइस, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ इस प्रकार से फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं एंड किस प्रकार से एडिट किया जाता है आपको इस वीडियो में कंप्लीट रूप से बताने वाले, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ओके गाइस, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा पहले का फ़ोटो कितना ज़्यादा बेकार सा दिख रहा है और एडिटिंग करने के बाद हमारे फ़ोटो में कितना ज़्यादा हार्ड लुक ऐड हो चुका है। आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं कितना ज़्यादा हार्ड लुक ऐड हो चुका है। तो आपको इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से रियल तरीके से कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं और आपको सिखाने वाले हैं 100% आपको सिखाएंगे कुछ इस प्रकार से रियल तरीके से कलर ग्रेडिंग करना। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ओके गाइस, तो फटाफट अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके गाइस, तो यहाँ से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते अपनी ओरिजिनल फ़ोटो के तरफ। तो दोस्तों ये है मेरा ओरिजिनल फ़ोटो, तो इस फोटो को हम शेयर करेंगे लाइटरूम ऐप के अंदर। तो यहाँ से हम इधर इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इधर हम लाइटरूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से एडिट इन लाइटरूम पर टैप करेंगे तो हमारा फोटो डायरेक्ट शेयर हो जाएगा लाइटरूम ऐप के अंदर। तो है गाइस, हमारा फोटो शेयर हो चुका है लाइटरूम ऐप के अंदर। तो दोस्तों एडिटिंग करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपने फ़ोटो में लाइट को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम फटाफट लाइट को एडजस्ट करते हैं। तो लाइट एडजस्ट करने से पहले यहाँ से हम इधर इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इस लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर इस एक्सप्लोजर वाले ऑप्शन को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे कुछ इस प्रकार से, इसको 0.29 करके रख लेंगे और इस कंट्रास्ट वाले ऑप्शन को हम थोड़ा सा इसको प्लस कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं आपको रख लेना है 4%। और इस हाईलाइट वाले ऑप्शन को आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है कुछ इस प्रकार से, आपको माइनस क्योर कर देना है। और इस शेडो वाले ऑप्शन को थोड़ा सा प्लस करना है, वाइट को भी थोड़ा सा प्लस कर लेना है और इस ब्लैक्स वाले ऑप्शन को आपको कुछ इस प्रकार से माइनस कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारा पहले का फ़ोटो आफ्टर एंड बिफोर, देख सकते हैं आफ्टर एंड बिफोर। दोस्तों इतना हो जाने के बाद अब यहां से अपने फ़ोटो में हम कलर को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ से हम इधर इस कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे फ़ोटो में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, यानी हमारे फ़ोटो में कलर बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ से हम टेम्परेचर को ऐड करेंगे। तो यहाँ से हम कुछ परसेंट तक टेम्परेचर को ऐड करेंगे, 9% तक। देख सकते हैं हमारे फ़ोटो में अब कुछ इस प्रकार से परफेक्ट रूप से कलर एडजस्ट हो चुका है, यानी टेम्परेचर एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इधर इस मिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कलर ग्रेडिंग करेंगे, यानी कलर को मिक्स करेंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने फेस को वाइट करना है। तो फेस को वाइट करने के लिए आपको सेलेक्ट करना है ऑरेंज कलर, तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को आपको थोड़ा सा माइनस कर देना है कुछ इस प्रकार से, माइनस आपको 17 रखना है और इस लूमिनस वाले ऑप्शन को आपको थोड़ा सा प्लस कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट कलर को, यहाँ से आपको नेक्स्ट कलर को सेलेक्ट करना है, यानी आपको इधर से इस येल्लो वाले ऑप्शन को क्लिक करके और यहाँ से इसकी सेचुरेशन को आपको फुल 100 की ओर डाउन कर देना है। और यहाँ से देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, तो यहाँ से हम फिर से ग्रीन कलर को सेलेक्ट करेंगे और इसकी भी सेचुरेशन को डाउन कर देंगे। हम इस फोटो को एडिटिंग करने वाले हैं डार्क टोन, डार्क टोन में एडिटिंग करने से पहले हम सभी कलर को रिमूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसकी सिचुएशन को भी ऑप्शन को हम थोड़ा सा डाउन कर देते हैं। अब हमारे बैकग्राउंड में बच रहा है कुछ इस प्रकार के कलर, तो यहाँ से हम इस दोनों कलर को रिमूव करेंगे। तो हम इसको भी रिमूव कर देते हैं और इस ब्लू वाले ऑप्शन को भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ से हम डन पे क्लिक करते हैं। बस इतना हो जाने के बाद यहाँ से हम अपने फ़ोटो में अब इफ़ेक्ट एंड डिटेल को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम इफ़ेक्ट को ऐड कर लेते हैं। तो इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे और टेक्सचर देख सकते हैं, इस टेक्सचर क्वालिटी एंड डीएच को ऑप्शन को हम थोड़ा थोड़ा प्लस करेंगे। तो टेक्सचर को हम थोड़ा सा 10% तक प्लस करेंगे और इस डीएच वाले ऑप्शन को 11% तक, यानी क्वालिटी वाले ऑप्शन को 11% तक
और इस डीहेज वाले ऑप्शन को हम कुछ इस प्रकार से इसको रख लेंगे 24%, देख सकते हैं प्लस 24। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हम शार्पनिंग को थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। कुछ इस प्रकार से हम शार्पनिंग को ऐड कर लेंगे, देख सकते हैं शार्पनिंग को हम 8% तक ऐड कर लेंगे। और यहाँ से हम इधर इस कलर नोइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सॉरी गाइस, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस कलर नोइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और यहाँ से इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कुछ इस प्रकार से 6% तक, और इस दोनों ऑप्शन को हम फुल हैंडेड की ओर कर देंगे। दोस्तों हमारे फ़ोटो में लाइट कलर एंड इफेक्ट एंड डिटेल ऐड हो चुका है। अब यहाँ से अपने फ़ोटो में हम थोड़ा सा सेलेक्टिव टूल को यूज करेंगे। सेलेक्टिव टूल को यूज करने के बाद थोड़ा सा और हम कलर ग्रेडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्टिव टूल को यूज करते हैं, यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इस प्लस वाले आइकन पर, और यहाँ से हम इस वाले ऑप्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ से क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं हम कुछ इस प्रकार से इस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। बहुत ही बारीकी तरीके से आपको भी सिलेक्ट कर लेना है, कुछ इस प्रकार से एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से आपको इधर इस ब्राइटनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस एक्सपोजर वाले ऑप्शन को फुल हैंडेड की ओर कर देना है। कुछ इस प्रकार से एक्सपोजर वाले ऑप्शन को आपको फुल हैंडेड की ओर कर देना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको राइट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों देख सकते हैं हमारे फोटो में ब्राइटनेस भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ से हम ब्लैक टोन को ऐड करेंगे। तो ब्लैक टोन को ऐड करने के लिए हम सेलेक्टिव टूल पे क्लिक करेंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इस लाइनर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो लाइनर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम इस लाइनर को सिलेक्ट करेंगे। कुछ इस प्रकार से हम लाइनर को सिलेक्ट कर देंगे, देख सकते हैं परफेक्ट रूप से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ से आपको इस इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यानी यहाँ से इफेक्ट पे नहीं, यहाँ से आपको इस लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से इसकी शैडो को आपको माइनस कर देना है, और शैडो करने के बाद इस वाइट को भी आपको माइनस कर देना है और इस ब्लैक्स वाले ऑप्शन को भी आपको माइनस कर देना है। कुछ इस प्रकार से आपको माइनस कर देना है, देख सकते हैं आपको इतना माइनस करके रख लेना है, इतना माइनस रखना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपको इधर से न्यू कंसेप्ट बताने वाले। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है। तो सिंपली इस पर आपको टैप करना है, कुछ इस प्रकार से टैप कर देना है, और टैप करने के बाद इस देख सकते हैं जो डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ये डुप्लीकेट का उस पर सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं आपका लेयर बनकर रेडी हो जाएगा। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कुछ इस प्रकार से घुमा लेना है, देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार से घुमा लेना है, देख सकते हैं परफेक्ट रूप से आपको घुमा लेंगे तो आपका बैकग्राउंड में ब्लैक टोन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से हम थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड में ब्लैक टोन को कम करेंगे, देख सकते हैं ब्लैक टोन को कम करेंगे। तो यहाँ से फिर से हम लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस ब्लैक वाले ऑप्शन को हम थोड़ा सा कम करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इतना रख लेंगे। दोस्तों इतना रखने के बाद फिर से हम एक और बार लेयर को क्लिक करेंगे, कुछ इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, यानी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से हम इधर की साइड से ऐड कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से ऐड करने के बाद यहाँ से हम राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारे फ़ोटो में डार्क टोन ऐड हो गया है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करेंगे। गाइस यहाँ से हम चलते हैं इधर इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इधर इन कलर ग्रेडिंग पे क्लिक करेंगे और कलर ग्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस शैडो वाले टूल को यूज करेंगे, देख सकते हैं जो शैडो का ऑप्शन है इसको हम यूज करेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं इस फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो एरो का ऑप्शन है सिंपली आपको उसको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को आपको प्लस कर लेना है, कुछ इस प्रकार से 23
24 करके प्लस कर लेना है। और इस ह्यू वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से इधर ब्लू कलर की ओर आपको राइट 200 आपको 50 रखना है, कुछ इस प्रकार से रख लें। दोस्तों हमारे फोटो में शेडो ऐड हो चुका है, अब यहाँ से हम हाईलाइट को ऐड करेंगे। तो सिंपली इधर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थर्ड वाले ऑप्शन पे, और क्या करेंगे इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को आपको हम इतना प्लस करेंगे, देख सकते हैं प्लस 27। और इस ह्यू वाले ऑप्शन को हम कुछ इस प्रकार से इतना रखेंगे, देख सकते हैं 110%। और यहाँ से हम डन पे क्लिक कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों हमारे फोटो में एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आशा करते हैं यह वीडियो अगर आपको थोड़ी सी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके गाइज, तो हम आपसे मिलेंगे फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ।